नमस्कार, मैं हूं हनुमान गोयल और आप देख रहे हैं राज 24। कश्मीर में एक आत्मघाती आतंकी हमले में हमारे लगभग 40 से भी ज्यादा वीर सैनिक शहीद हो गए। इस घटना से पूरा देश स्तब्ध है। पुलवामा में 70 गाड़ियों के सीआरपीएफ के काफिले में 2500 सैनिक जा रहे थे। जैशे मोहम्मद ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। घटनास्थल की तस्वीर देखें तो अच्छे अच्छे पत्थर दिल इंसान के भी कलेजे फट पड़ेंगे। आज देश का हर नागरिक पाकिस्तान से बदला चाह रहा है। हम भी इस खबर से सन्न हैं। नम आँखों से अपने जज्बातों को काबू में करते हुए वीर जवानों की शहादत की हृदय से सलाम। जय हिंद। ग्राम पंचायत बसई के राजीव गांधी सेवा केंद्र पर उपखंड अधिकारी रामोतार कुमावत ने औचक निरीक्षण किया, जिसमें एलडीसी सुरेश कुमार मौके पर नहीं पाए। ग्राम सेवक ने जीपी के रजिस्टर के बारे में सही जानकारी नहीं दी। प्रोसीडिंग में सरपंच के हस्ताक्षर नहीं मिले तथा रजिस्टर प्रमाणित नहीं पाए गए। विवाह पंजीयन रजिस्टर में 2015 के बाद कोई रिकॉर्ड दर्ज नहीं मिला। मातादीन पुत्र हरदान की मृत्यु होने पर प्रमाण पत्र जारी होने के बाद भी रजिस्टर में दर्ज नहीं मिला। ग्राम पंचायत की जमीन संबंधी को रिकॉर्ड में कोई स्थान नहीं था। ग्राम सभा की प्रोसीडिंग पर सरपंच के हस्ताक्षर भी नहीं मिले। बीपीएल रजिस्ट्री में फोटो पर प्रमाणित मोहर नहीं पाई गई। लापरवाह कर्मचारियों को नोटिस जारी किए। विभिन्न प्रकार की खामियां मिलने के बाद उपखंड अधिकारी ने विकास अधिकारी को सभी पेंशनर्स की जांच करने के अलावा अन्य दिशा निर्देश भी दिए। बहरोड के वरिष्ठ कांग्रेस नेता बस्तीराम यादव ने बताया कि कांग्रेस की बैठक में सिर्फ थानाधिकारी को बदलने की चर्चा हुई थी, उपखंड अधिकारी को बदलने की कोई चर्चा नहीं हुई। बहुत से सामाजिक कार्यकर्ताओं ने कहा कि जो अधिकारी उपखंड स्तर पर अपने पद की गरिमा रखते हुए जनहित में काम करते हैं वो सराहनीय है। न्याय प्रणाली के साथ साथ परिवादियों के मामलों के निपटारे में भी उन्होंने अहम भूमिका निभाई। समस्त विभागों के अधिकारियों की निरंतर बैठक कर समस्याओं का निपटारा किया। ऐसे उपखंड अधिकारी का बहरोड में होना जरूरी है। ये राज जो बदलता है तो स्वाभाविक है कि भाई बीजेपी के टाइम के अधिकारियों को हटाने के निर्णय हुआ करते हैं। कल लोकसभा चुनाव को लेकर के मीटिंग हुई थी बहरोड में, उसमें कुछ कार्यकर्ता मित्रों ने स्थानीय कोतवाल के खिलाफ में शिकायत रखी थी कि वो उनका व्यवहार ठीक नहीं है, बदमिजाजी है, इसलिए कार्यकर्ताओं की भावनाओं को ठेस पहुँचती है जब थाने में जाते हैं। ये नरेश सरपंच साहब ने भी रखी, अनिल सेठ जी पार्षद पूर्व पार्षद ने भी रखी, कादवर पार्टी के वर्कर्स ने भी रखी जी। तो इस पर मैंने कहा कि भाई ये जब कार्यकर्ताओं का इस तरह से अपमान होगा तो मैं समझता हूँ कि ठीक नहीं है, इसलिए आप कोतवाल के खिलाफ में ये शिकायत कर रहे हैं तो उसको हटाने के लिए कार्रवाई की जाए जी। इसके ऊपर डॉक्टर आर सी यादव जी ने कहा और जो मिश्रा जी थे हमारे ज़िले के प्रभारी आए थे, उन्होंने भंवर जितेंद्र जी से बात करके कोतवाल को हटाने की शिकायत की थी। किसी अन्य अधिकारी के बारे में भी कोई जिक्र हुआ था? एक ही बात थी, बाकी तो रूटीन में चलती रहती। प्रस्ताव भी लिया गया था? हाँ, वो कोतवाल के खिलाफ प्रस्ताव। आज के बुलेटिन में इतना ही। देखते रहें राज 24। नमस्कार।